जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदा सदा के लिए वास हो, भगवान राम आपसे प्रसन्न रहे, ये हमारे हृदय से आशीर्वाद है। प्यारे भक्तों, दिवाली के दिन सब लोग घर में दीपक जलाते हैं, क्योंकि भगवान राम आए थे जब अयोध्या वापस, तो सभी ने घी के दिए जला के खुशियाँ मनाई थी। प्यारे भक्तों, घी के दिए जलाते हो या तेल के जलाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप दिए जलाओगे घर में, वो थोड़ी सी देर के बाद बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका तेल ख़त्म हो जाएगा, किसी की बाती नीचे गिर जाती है। लेकिन प्यारे भक्तों, आज जो हम आपको दिया या दीपक बताने जा रहे हैं, वो एक बार जलाने के बाद कभी बुझेगा नहीं, तो क्यों ना वही दीपक आज जलाया जाए। और आप प्रण ले कि उस दीपक को आज अवश्य 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 ही जलाएंगे और उसको कभी बुझने नहीं देंगे। और अब मैं पूर्ण विश्वास से आपको कहती हूँ, अगर आपने जला लिया और उसका हमेशा ध्यान रखा, तो वो कभी बुझेगा नहीं। और आम दीपक का तो कितना ही ध्यान रख लो, फिर भी वो बुझ ही जाएगा। कौन सा वो दीपक है प्यारे भक्तों? वो है नाम रूपी दीपक, यानी कि वो हमारे अंदर जल रहा है नाम रूपी दीपक, लेकिन उसको जब तक जानोगे नहीं, जब तक वो माना नहीं जाएगा कि वो जल रहा है। जैसे कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा, घर में खजाना पड़ा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि खजाना है। तुम उसको जानो कि वो दीपक है क्या, वो परम ज्योति हमारे अंदर हर पल जल रही है प्यारे भक्तों। कोई उसी को डिवीजन लाइट कहता है, कोई उसी को चांदना कहता है, कोई उसी को रोशनी कहता है, कोई उसी को प्रकाश पुंज कहता है। तो उस दीपक को आप जानो, और उसको जानोगे कैसे, प्रश्न ये उठता है, नाम जप के द्वारा ही उसको जाना जाएगा। जो नाम आपको आपके गुरु महाराज ने दे रखा है, उसको श्वासों के द्वारा जपो, क्योंकि श्वासों के द्वारा ही अंदर उतरा जाएगा। कई कहते हैं अंदर कैसे उतरें, श्वासों का जब आप जप करोगे तभी अंदर उतरा जाएगा। ध्यान तो मेन केंद्र है, ध्यान जो हम करते हैं, लेकिन अंदर उतरा जाएगा श्वासों के द्वारा, क्योंकि ये श्वासें ही एक वो जरिया है जो अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं। तो इन्हीं के ऊपर आपको पूरा फोकस करना है, इन्हीं का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। चाहे फिर किसी को गुरु मंत्र मिला हुआ उसके द्वारा करो, कोई सोहंग के द्वारा करो, चाहे राम नाम के द्वारा करो, किसी भी नाम के द्वारा, लेकिन श्वासों का जप करो और अति शीघ्र अपने अंदर उतरो। जितना जल्दी अंदर उतर जाओगे, उतना ही जल्दी वो परम ज्योति जगमगा उठेगी, और एक बार वो जगमगा उठी तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी को रोशन कर देगी प्यारे भक्तों। ये बाहर की रोशनी तो एक अंश के बराबर भी नहीं है उस रोशनी के जो आपके अंदर जल रही है। तो मेरी आप सबसे दिवाली के दिन हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब जानो उस ज्योति को और उसको जलाओ। जली तो हुई है, उसको जानो, वो जानने से ही केवल आपको सब कुछ दे देगी। उसको बस जानना है कि वो है क्या, और वो नाम के द्वारा ही जानी जाएगी, श्वासों के जप के द्वारा जानी जाएगी। प्यारे भक्तों, दिवाली हर साल आप मनाते आ रहे हो पता नहीं कितने वर्षों से, लेकिन असल मायने में जो दिवाली मनाना चाहता है, तो अपने अंदर की रोशनी को जगा लो, तभी ये दिवाली सफल होगी, तभी भगवान खुश होंगे, तभी माँ सीता खुश होगी, माँ सीता यानी कि माँ लक्ष्मी, तभी गणेश जी खुश होंगे। वो तत्व एक है, उसके नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, आप बस उस रोशनी को जान लो तो सब खुश हो जाएंगे, और आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। आपका ये मनुष्य जन्म मिलना भी धन्य हो जाएगा प्यारे भक्तों, अन्यथा आप ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाओगे, फिर पछताना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, इस दीपक को जलाने के लिए ना तेल की ज़रूरत है, ना रुई की ज़रूरत है, और इस दीपक को आपने जान लिया नाम जप के द्वारा, सांसों के जप के द्वारा, तो अंत समय में यही रोशनी आपको नजर आएगी, जब आपका प्राणांत होगा और आप इस रोशनी में लीन हो जाओगे प्यारे भक्तों, और जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाओगे आप। तो हमारा आपसे बार बार यही अनुरोध है, अगर आप ज़रा भी ये सोचते हो तो आज प्रण ले लें कि जो भी नाम जप नहीं करते हैं तो वो करें, और जो करते हैं तो वो श्वासों का शुरू कर दें, क्योंकि श्वासों के द्वारा ही अंदर उतरने का एक रास्ता है प्यारे भक्तों। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय श्री राम प्यारे भक्तों।